मैम, आप लोग पूरा घर बार छोड़ के आज 44 दिन होने चले यहाँ पे हैं, तो इसके बारे में कुछ? देखिए, ऐसा है, मैं भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और चंडीगढ़ से आई हूँ, और जिस तरह से हमारी मांगे सरकार सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वो गूंगी बहरी सरकार वाला सिस्टम हो रहा है यहाँ। अगर हमारी मांगे नहीं मानी, आज तो आप देख रहे हैं कि हमारी इतनी महिला शक्ति यहाँ है, और इसके बावजूद भी अगर इस तरह से सिस्टम रहा तो हम अपने बच्चों को और हमारे बुज़ुर्ग माताओं को सबको लेके विद फैमिली हम यहीं पंडाल में हमारी पूरी मातृशक्ति बैठने को तैयार है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इतने दिनों में अगर मांगे नहीं मांगती हैं तो अपने बच्चों को पूरी फैमिली को लाने का जो आप लोग बता रहे हैं? हम तो 2-3 दिन का टाइम देते हैं सरकार को, नहीं देंगे तो हम पूरा परिवार नहीं, हम भी अनशन पे बैठ जाएंगे, सब महिलाएं सर। हाँ, अनशन पे बैठेंगे पूरी महिला। आंदोलन हमारा उग्र रूप लेगा इस वक्त, अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये हमारी सरकार को खुली चेतावनी है कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। कांग्रेस सरकार यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर हम जिंदगी में रिपीट नहीं होने देंगे। हमारे कोने कोने में जो बाबू वर्ग बैठा है, 1 लाख की संख्या हमारे बाबू वर्ग की है, उनके कितने रिश्तेदार होंगे और कितना हमारा पूरा कबीला जो है, हम उनसे मतलब हमारे से जिंदगी में तो आने से ही वो हो जाएगा, पत्ता कट जाएगा। कांग्रेस जिंदगी में ये भी नहीं सोचेगी कि मैं यहाँ आऊँ, राजस्थान में तो कांग्रेस कभी भी नहीं आएगी। देंगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बारे में सपने लेना बंद कर दे। अगर हमारा इस तरह से हमारे 11 अनशनकारी आज 4th दिन है और अभी तक सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या किस तरह से इनको कुछ समझ में नहीं आता है? इनको हर बार हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना न्याय मांग रहे हैं, हमारी मांगे नहीं है, हम न्याय मांग रहे हैं। हमारे जो पीछे से जो 11 लोग बैठे हुए हैं अमरन अनशन पे, अगर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, हम थोड़ी ना होंगे, सरकार जिम्मेदार होगी। बिल्कुल सरकार ही है जिम्मेदार उसकी। हम लोगों ने इतने दिन से सरकार को चेताया है कि हमारे गांधीवादी तरीके से कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हमें न्याय दे दीजिए। मजबूरी में आके हमें आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है, और उसके बाद अगर हमारे किसी भी साथी को कोई भी तकलीफ होती है तो ये हमारा परिवार है, परिवार के किसी भी बंदे को कुछ होता है तो ये लोग, आप भी समझ सकते हो कि हमारे ऊपर क्या बीतती है। अगर इनकी जगह सरकार के बच्चे होते, यूँ कहा जाता है कि एक कर्मचारी सरकार का बच्चा होता है, तो अगर हम सरकार के बच्चे हैं तो हम उनको दिख नहीं रहे क्या? अभी हमारे आज सुबह ही हमें खबर मिली है कि हमारे एक साथी शहादत को प्राप्त हो गए, पर अब कितनी शहादत चाहिए सरकार को, क्योंकि ये छठी शहादत, ये पड़ाव शुरू होने के बाद में छठी शहादत हुई है। अब हमें क्या, तो सरकार बता दे कि मुझे इतनी शहादत हुई है, वो क्या सब यहीं पे हुई है, यहीं या फिर कैसे? वो साथी हमारे साथ में सामूहिक अवकाश पे थे, महापड़ाव में थे, कल शाम को वो यहाँ से महापड़ाव से ही अपने गांव की तरफ जा रहे थे, वो ट्रेन से दुर्घटना हुई उनकी और वो एक्सपायर हो गए। अगर किसी भी साथी के साथ में दोबारा ऐसा होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्या? आप ये बताइए, सरकार के बच्चे, मतलब अपने बच्चे को कुछ होता है इस तरीके का तो अपन बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? तो सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि अपने बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, और आगे अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो फिर देखिए हमारा भी धैर्य कितना रखेंगे? अपने बच्चों के साथ बुरा होते कोई नहीं देख सकता, अपने भाई बहन के साथ बुरा होते कोई भी नहीं देख सकता, इस तरीके की घटना तो बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। और हमारे इन साथियों में से भी किसी को कुछ होता है, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि उन्होंने इतना लेट कर रहे हैं तभी ये सब कंडीशन में हमें बैठना पड़ा है, क्योंकि गांधीवादी तरीके से हम ये अपना पड़ाव चला रहे हैं और ये भी एक गांधीवादी तरीके का ही हिस्सा है। धन्यवाद। सरकार को इतना बड़ा हिंदी में बताना, हिंदी चैनल नो, एक्चुअली दिस इज द थिंग टू बी टॉक इन इंग्लिश ना। एक्चुअली अमंग दिस आर राइट्स एंड जस्टिस व्हिच वी आर आस्किंग टू गवर्नमेंट, एंड अमंग देम विद दे आर क्रिएटिंग अ कियोस इन दैट इट इज, वन इज ग्रेजुएशन, वी आर आस्किंग वन अमंग द राइट्स, वन इज द ग्रेजुएशन। व्हाई वी कांट गेट दिस राइट टू बी डन? बिकॉज in between these all they are more than graduate, PGs and all they have done, ITs and all the जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब में मतलब इस तरह की भी है ना, then why we can't ask the kiosk which is going on among the government is this, that
दे आर नॉट रेडी टू गिव दी वन राइट अमंग दैट द राइट्स वी आर आस्किंग द 11 राइट्स अमंग देम द वन इज ग्रेजुएशन सो वी आर वेल एजुकेटेड ऑल्सो इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट दैट the continued the education level is going on is 12th so we are asking for graduation among them then we are all well educated also that I am telling this thing also to government thank you ma'am